आज दोपहर में बच्चों का कुछ खाने का मन नहीं था, चटोरपन करने का मन था, हाँ सिंपल भाषा में। तो ये आई है चाउमीन, हमने मंगाई है सबके लिए चाउमीन, सबको अलग अलग दे देना है ना, ताकि आराम से। ये इसमें सारी नहीं आएगी, सर्दियों में इन सब चीजों के मजे ही अलग है ना आयरु। और ऐसा नहीं है खाना खाया नहीं, खाना थोड़ा थोड़ा खा के बैठे हैं ही, लेकिन फिर इन लोगों को खाना था तो फिर मंगा लिया। इन सबको अलग अलग दे। हाँ जी आयरा की प्लेट है। तो चलो अब हम लोग ये लोग सबका कर देते हैं पिया पाचा, और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। ये बच्चे यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं नन्ना से चीज लेने के लिए। बताओ आप अपने घर की, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रात को आपने आज से बता ना, कुछ किया था आपने क्या? वो तो मना कर रही है। नहीं अभी आपने सॉरी मांगी है ना, आपने क्या करा था? थैंक यू, उसे लगा थैंक यू के लिए हो रहा है, थैंक यू करो। अच्छा आयरा भी नहीं नहीं है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमबर्ड। तो आज सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम है, और हम लोग का लंच करने जा रहे हैं। अभी ने बनाया है बड़ा ही टेस्टी सा और खुशबूदार लंच, तो मैंने कहा पहले आप लोग को बता दूं और ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूं, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया है और फ़ोन की बैटरी हो रही है डाउन। तो मैं आपको बताती हूं कि आज हमारे घर में क्या बना है, बताती नहीं बल्कि दिखाती हूं कि आज हमारे घर में क्या बना है। यहाँ पर है ये सांभर, और सांभर के साथ आप सोच सकते हैं कि सांभर के साथ बनी है इडली, और ये बैठा है नींबू। नींबू छोटा है तो इसमें दे दूं ना आपको, सांभर दूंगी सांभर। ये भी फीका है बच्चों का और मम्मी का, ये फीका है। मामा आपके लिए भिजवाऊं? ठीक है। आपका बेबी आ गया। मेरा बेबी आ गया, चलो ये ओ इसे क्यों कौन निकाल कर लाया पीछे? रो रही थी बहुत देर। अच्छा नहीं। ये रही इडली गर्मा गर्म, वाओ। हाँ हाँ दाल नहीं है बेटा, सांभर है, सांभर है ना, सब सांभर। यहाँ पर आ चुकी हैं और ये परेशान कर रही हैं। पीछे पीछे कोई नहीं गिराएगा, लिबू और पीछे वहाँ पर हवा भी आती है ना, पीछे होना पड़ेगा। लिबू आपको इतना गर्म है कि धुआं धार हो रहा है, इन लोगों की बैठने की सेटिंग हो जाए तो बहुत मान। शांति रखो, शांति मम्मी के लिए। अच्छा चुप हो पहले, कुली कुली देखो। आप उधर जा रही हो, मैंने जी मम्मी को दे देना। ले लिया, पकड़ लिया, गमल है नहीं है, गमल खा लो, ठंडा है। अच्छा जी आज जो इडली सांभर खा रहा है, सब बच्चे इडली सांभर खा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ खाओ 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 खाओ, टेस्टी मजा आया। तो मेरे लिए भी गर्मा गर्म सांभर आ गया। आप सोचेंगे मेरे लिए अलग क्यों आया, क्योंकि बाजी ने बच्चों और मम्मी का अलग बनाया है और हमारा अलग बनाया है। यम है, चलो जी यम से भी ऊपर अम। मैं आपको पॉइंट देती हूँ, चलो भैया हम भी खा ले भैया। मम्मी की तो हर तरह से ईद ही हो रही है, बच्चे आए तो ईद। ये इसमें डाल के खाओ। ओ यार तोड़ो, तो आप क्यों कूदे? मेरा बच्चा
शैम्पू मार वो तो अच्छा ही हटा लिया था। ओ पापा जी तो आज चिज्जी लेकर आए, वैसे तो पापा जी रोज ही लाते हैं, आज तो बहुत कुछ है। क्या क्या है? वाह पापा जी, ये गुड़ वाली गज्जक है ना? अरे वाह पापा जी, ये आपने बहुत अच्छा काम करा। मैं पता है यही सोच रही थी कि पापा जी कहीं वो वाली ना ले आए, और पापा जी हर तरीके की गज्जक लाए हैं, और ये इतनी सारी वो वाली बच्चों को इतना पसंद है, और चॉकलेट्स भी लाए। चॉकलेट्स भी? अच्छा 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 अच्छा। पापा की चप्पल निकाल दो। निकाल दी? अच्छा चलो ठीक है। अभी भैया का भी फोन आया, आप पहले अपना ये बंद कीजिए। हमने यही बोला, हमने कहा अभी रुक जाओ मम्मी। भैया कह रहे हैं बच्चे जग रहे हैं, तो हमने बोला सब जग रहे हैं, बिल्कुल जग रहे हैं। कह रहे अच्छे, कह रहे बर्गर खाओगे? हमने कहा खाएंगे, तो अब वो बर्गर भी ला रहे हैं। मूंगफली गजक पैक करके रख दो, कल खाएंगे। अरे सब खप जाएगा, सब खप जाएगा। ये आए हैं बर्गर, मेरी थाली दिखा दो। बिल्कुल दिखाइए आप मेरी थाली। बुलबुल की थाली आपको दिखा रही हूं। बुलबुल को आजकल भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इतनी भूख लग रही है कि वो कोल्ड ड्रिंक मंगा मंगा के उसे हजम करना पड़ता है। यहाँ पर चल रहा है हमारा। टाइम कितना हो रहा है अनु, एक बार अपना फोन दिखाना जरा। टाइम दिखाना बहुत जरूरी होता है, और सबसे पहली चीज तो शांति से पता चल गया होगा। रात के बज रहे हैं 11:30, है ना? और अब तक अब तिल वाली का नंबर आ गया। कल दुनिया खत्म नहीं हुआ, इसके आगे कल भी खाना और रोज बिना सांस थोड़े खाना। तुम लोगों को पता है जितनी भी मॉडल्स, और अभी मैंने उस दिन मुमताज जी का भी इंटरव्यू सुना, शिल्पा शेट्टी वगैरह, करीना कपूर, ये लोग सब बताते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते ये लोग, और हम लोग 6 बजे के बाद शुरू होते हैं शाम को। नहीं सबसे पहले मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग से सबसे पहले चाय। चाय के साथ क्या? सुबह से नहीं, ये सिर्फ शाम का ही बता रही हूँ, सुबह का तो छोड़ दो अभी, सिर्फ शाम का। शाम को ली चाय। चाय के साथ क्या लिया बता दो, शर्माओ मत। शाम को मैंने चाय के साथ केक लिया। अच्छा केक खाया, ओके। उसके बाद फिर ये यहाँ इन्होंने इडली सांभर का दूसरा नाश्ता, दो इडली का और नाश्ता करा। दो बार हो गया मील, है ना? फिर भैया बर्गर लाए, फिर इन्होंने एक बर्गर चटकाया, ठीक है? फिर इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बता रही हो, आ रही हो, फिर थोड़ी देर पहले अभी इन्होंने डिनर किया। डिनर के बाद से मस्त तक ये चबा रहे हैं। और अभी नहीं गजर, नहीं गजर एक बार ले ली है, कोई सी भी नहीं खाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुख नहीं छूटा। लेकिन मैं आपको अपना बता दूं, मैं आपको अपना बता दूं, जो इन्होंने किया इनसे डबल दुगना दुगना मैंने खाया है। और जब से मैं कभी मूंगफली खा लेती हूँ, कभी गुड़ की गज्जक उठा के खा लेती हूँ, कभी ये वाली गज्जक उठा के खा लेती हूँ, तो ये मैं खा के अब थक चुकी हूँ। बता दो रहे, जो इन्होंने खाया इनका सब दुगना दुगना मैंने खाया। मैंने 2 रोटी भी खाई है, मैंने चावल भी खाया, मैंने बर्गर भी खाया, मैंने बहुत देर तक ये मूंगफली भी खाई, कॉफी भी बड़ा मग्गा पिया, मैंने सब किया। हमारे पूरे एक महीने की गिजा आपको, और जिस दिन से ये दोनों आए हैं ना, स्पेशली गुरुवार जी का एक डायलॉग है, ये मैं छोटे लग रहे हैं, तो अब सिंगल बेड सिंगल इंसान के लिए था, आपने डबल बेड डबल डेकर देखते रहते हैं ना, कौन से फेरे का कौन सा खाना चल रहा है। सुनो आज क्यों टाइम से चल रहा है, मैं मूंगफली भी थोड़ी सी और पता है मैं बताती हूँ। Hey guys, welcome back। अब मुझे ओढ़ने के लिए ओढ़नी नहीं मिली थी, मेरे बाजू की कमीज डाल, उनमें तो आग लग गई। तो मैंने बाजू की कमीज ओढ़ लिया। हाँ मैं क्या बता रही थी, मैं कुछ बताने जा रही थी। जब हम कह रहे थे सिंगल बैग, इन लोगों को बड़े लग रहे हैं।
छोटे लग रहे हैं। मैं कुछ और बताने जा रही थी, पता नहीं क्या बताने जा रही थी। तभी तो आपने बोला अब सुनो मेरा खाने का, तो मैंने बता दिया मैंने क्या क्या खाया। हमें कमीज ओढ़ के बैठी हुई है। हाँ कमीज सबको बता, और सबके दुपट्टों में और शॉलों में आग लग गई। आग लग गई। सब्जी आ गई। हाँ जब ससुराल जाएंगे तो नए लेकर आएंगे। आप भिजवा देना, आप ही कह रही है आप लोग भिजवा देना, भिजवा देना दुपट्टे हमारे, सब में आग लग गई है। आप तो बैठे हुए के लिए बुझाने, ये आपका पूछेंगे, आप बताएंगे हमें। ये कुछ नहीं होता, ये कोई बाहर के नहीं होते, ये कुछ बहुत अजीज लोग हैं। बहुत अजीज होते हैं अपने, हम भी समझते हैं इन चीजों को, बट चलो उन्हें खुशी होती है ऐसा करके। तो मैं पता नहीं क्या कहने जा रही थी, मैं बिल्कुल भूल गई, बहुत इंटरेस्टिंग कोई बात बताने जा रही थी और मैं भूल गई। हाँ मैं ये बता रही थी कि हम लोग इतना कुछ तो खाते रहते, खाते लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, उसके बाद फिर हो जाती बदहजमी। उसका भी तोड़ खाने से ही निकलता है, मतलब पीने से। फिर आती कोल्ड ड्रिंक की, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक पहले से ही रखी हुई होती है, जो कि फिर रात में जब होता है ना कि कहीं से भी जलन मच रही है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, फिर हम पीते हैं वो कोल्ड ड्रिंक। तो बस यही सब चलता रहता है। तो बच्चा सो रहा था, बच्चा ये देखो इस बच्चे की लात लग गई, मैं क्या करूं। कोई भी आ जाइए, सबको हो जाएगा। मेरी आज कमर में दर्द है। हमारा कैमरा मन था एक ऐसा है ना, यहाँ पर लीबू बैठ के हमारी उसमें शामिल है। खाना पीना इतना नहीं है, लेकिन हम लोग ना बहुत, दोनों बहने कैलकुलेटिव बहुत है, तो हम बैलेंस करते रहते, एक लेयर उसकी लगाएंगे फिर एक लेयर उसकी लगाएंगे। तो जब मैं भी मैके में आई थी ना, मुझे चक्कर आ रहे थे कमजोरी के मारे, अभी अल्लाह का शुक्र है सब सही सही लग रहा है, सही लग रहा है। काफी लोग ये कमेंट करते हैं, हमें अनुपी को तो चलता फिरता ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए। मैं कभी ब्लड की कमी बढ़ेगी तो मैं तो बिनास से लूं बिल्कुल चढ़ाई बोल जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी मुझ में खून की कमी हो गई है, मुझे ये लेकर आई। अरे जो हसीन को ये तो बोल रहा था कि मैं आज फूलती जा रही, अब मैं इतनी हंसी आ रही, यहाँ हम सर्दियों में दो दो तीन तीन लेयर पहनते ताकि थोड़े से भरे भरे चेहरे के अलावा हम बहुत पतले से लगते हैं, वरना सही बात है, क्योंकि हम सबका वो फूलने का ही है ना, हम लोगों की वो जो हड्डी है वो फूलने वाली है। हम खाते क्या है? कुछ भी नहीं। हम ना वो है, वो खाते हम बकरी की तरह सूखते लग रही है। लेकिन ना तो हम सूख रहे। आज क्या हो गया? आज मेरा दिल कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। कच्चा हो रहा है? अच्छा अच्छा कच्चा। मुझे लगा कच्चा हो रहा है। माशाल्लाह इसी तरह खा लूंगी तो दिल अच्छा ही होगा। दिल तो बढ़िया है ना, खाना लोग पेट में डाल दें इनका गला तक भर गया। तो पागल, अभी तुम्हें तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हें पता ही नहीं है सारे लॉजिक समझ में आते, शादी के बाद खाना भी अच्छा लगने लगता है। मैं बताती हूँ, जब ससुरालों में जाते हैं ना तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, और वहाँ एक मैनेजेबल होते, कमी किसी चीज की नहीं है, बट एक मैनेजेबल होते ही है हम लोग, पता नहीं क्यों मायके में सब तो ऐसा होता है, सब भूल कर आते हैं। सिर्फ इतना होता है शादी, पर एक दूसरे को देख के और भी ज्यादा होता है खाने वो ना, सिस्टम जो होता है ना, सब टाइम टेबल सब इधर उधर हो जाता है। वही नॉर्मली तो अब जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो अपने घर में ये थोड़ी अब पता है, हम मेहनत खाना बनाया तो हम फालतू की चीजें क्यों खाने लगे, ओवर ये वो। अब यहाँ क्या होता है, जो आ रहा है एक इंसान खाना बना रहा है तो दूसरा इंसान स्नैक्स बना रहा है, तो अब हम क्या होते हैं, अपने अपने घरों में खाना भी हमें ही बनाना होता है, स्नैक्स भी हमें बनाना होता है, बाहर का इतना कुछ और आता नहीं, सब मैनेज करके चलते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे कोई ये ला रहा है, कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, पापा ला रहे हैं, भैया ला रहे हैं, कुछ हो रहा है, मिनाज ला रही है, तो वो ये सब चलता है। एक और वे कि कब तक मिनाज के टुकड़ों पे पलोगे, हम तो हमेशा मिनाज के टुकड़ों पे ही पल रहे हैं। कभी अपना भी खर्च कर ले, क्यों करें खर्च, इतना इसको बड़ा कर दिया है, इसी के टुकड़ों पे पलेंगे अब हम, इसी के उस पे नहीं होता, ये बस ऐसे ही लोग वो करते हैं सब अपने। और बच्चे होते किस लिए,
पौधा इंसान लगाता है उसके फल खाने के लिए तो लगाता है, नहीं शायद इनके पास वो पौधा भी नहीं है और इन्होंने कभी कोई फल लगाया भी नहीं है ना, इसलिए बोलते हैं पौधा लगाया है। अपनी लाइफ में अच्छे काम करो कि लोग बाग आपसे भी प्यार करे और आपके ऊपर भी घट करे, समझ में आ रही ना। बट मेरे से तो, मैं तो अभी कमेंट बॉक्स पढ़ के बैठी हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से बात कर रही हूँ, अपने में भी करूंगी फिलहाल, अपनी बहन के में करूँ और मेरे में देखना है तो अपना आशियाना सब्सक्राइब कर लेना उसमें। कितना टाइम से अभी सीलमपुर गई थी तब वो तूने काट दिया था, कहा था म्यूट करूंगी, वो तूने काट दिया था, मैंने देखी सीलमपुर वाली वीडियो नहीं हाँ उसमें नहीं ना वॉइस ओवर, उसमें साथ में कुछ और बोल दिया होगा वरना मैं हमेशा रखती हूँ वो वॉइस ओवर करा है तूने, क्योंकि अच्छा, आवाज बहुत आ रही है। हाँ हाँ ये वही तो कह रही हूँ, कुछ ना कुछ हो गया होगा वरना मैं हमेशा रखती हूँ अपना अशाना को, मैं कभी नहीं काटती। चलो ठीक है ना, अभी तो हम बातें कर रहे हैं, फिर मिलेंगे बाद।